ऑफिस से हुई तबाही का जायजा लेने पहुंचे थे। जगह जगह गाड़ी से उतरकर उन्होंने तबाह हो चुकी सड़कों का हाल देखा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ये तस्वीर मनाली की है, जहां उन्होंने खुद ये देखा कि कैसे व्यास नदी में आई बाढ़ ने कई जगह सड़कों का नामो निशान मिटा डाला। केंद्रीय मंत्री दिल्ली से सीधे कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से सीएम सुक्खू, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ सड़क मार्ग से मनाली के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने गाड़ी से उतरकर परला, भुंतर, कुल्लू, रायसन, दोहनुनाला, पतली कुहल, 16 मील, 17 मील, कलाथ और आलू ग्राउंड में हुई तबाही का जायजा लिया। हाईवे और सड़कों का हाल देखने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नदी और सड़क किनारे निर्माण के चलते नुकसान ज्यादा हुआ, जिसे लेकर राज्य सरकार को नीति बनानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने सबसे बड़ी बात यह कही कि अब हिमाचल में टेक्निकल टीम और आईआईटी की सलाह के बाद ऐसी सड़कें बनाई जाएंगी जो बड़ी से बड़ी आपदा भी झेल सकें। यहाँ के लोगों को भी और सरकार ने उसके लिए चिंता करनी चाहिए, पढ़ाई जगह की। और नदी के बाजू में जो घर और बिल्डिंग बना बना के रह रहे हैं, वो इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि ये डेंजरस है। ये अच्छा हुआ कि ये घटना सुबह हुई, अगर ये अंधेरे में होती तो और नुकसान होता। तो थोड़ा सा लोगों का भी सहयोग चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय किया है कि नेशनल हाईवे जो 4 लेन है उसके आजू बाजू के लिए उन्होंने जो डेवलपमेंट होती है 100 मीटर की, उसके बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात की है, वो भी उचित है। और ऐसे कुछ लोग आते तो उनको पर ही जगह और कोई दी जा सकती है। पर रोड के बाजू में इस प्रकार से रिवर के बाजू में बैठना, रोड के बारे में अब आगे के लिए मैंने कुछ सूचना दी है, पर जब तक टेक्निकल रिपोर्ट नहीं आता, मैंने उनको कहा कि ये कॉन्क्रीट के ही बनाइए और इसकी मजबूती और बनाइए। दूसरी बात, जो पहाड़ गिरे जगह जगह पर, हम लोग स्विट्जरलैंड से भी लोगों को बुलाओ, उनके साथ भी प्रेजेंटेशन कर रहे और आईआईटी के साथ सलाह करके ये कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसा संकट ना, इसका प्रतिकार करें। और अभी जो कुछ करेंगे वो ऐसा करेंगे कि कितना भी गंभीर संकट आएगा तो भी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होगी, इसकी चिंता करते हुए टेक्निकल सलाह लेते हुए ये काम करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने सीएम सुक्खू से हुई चर्चा के बाद अधिकारियों को फौरन कई निर्देश भी जारी किए, जिस पर उनका आभार जताते हुए सीएम ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपील की है, तो गडकरी मुस्कुरा उठे। जो दिशा निर्देश के अनुसार हमें इस बात की खुशी है कि हमेशा से माननीय मंत्री जी का प्यार हिमाचल प्रदेश के साथ बना रहा है। और मैं जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप भी हमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दें, जैसे गाड़ी के अंदर दे रहे थे तो गाड़ी के अंदर बाहर भी थोड़ा सा अच्छा सहयोग देंगे। सीएम सुक्खू केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे और उनसे मिले आश्वासन से खुश दिखे, जो राहत और मदद को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोपों के बीच अच्छी बात है। कुल्लू से तुलसी भारती के साथ सचिन शर्मा, मनाली, न्यूज 18।